प्याज की फसल को क्या चाहिए? प्याज की फसल के सफल उत्पादन के लिए मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ गौण और सूक्ष्म पोषक तत्व जरूरी होते हैं, जबकि डीएपी से फसल को सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही मिलते हैं। प्याज की फसल के लिए ग्रोप्लस सबसे अच्छा खाद क्यों है? प्रमुख पोषक तत्व फास्फोरस के साथ साथ गौण और सूक्ष्म पोषक तत्व कैल्शियम, सल्फर, जिंक और बोरान फसल को शुरू से ही मिलने लगते हैं। मिट्टी के भौतिक गुणों और पीएच में सुधार लाता है, जड़ तंत्र में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है, अन्य उर्वरकों के साथ संयोजन में आसानी से उपयोग किया जा सकता है, आसान और अधिक समय तक संग्रहण किया जा सकता है। हमारे किसान भाई का ग्रोप्लस के साथ प्याज की फसल में अनुभव। मैं कृषक दीपक पाटीदार, निवासी ग्राम बड़गांव माली। मैंने प्याज की फसल में कोरोमंडल कंपनी का ग्रोप्लस का इस्तेमाल किया है। प्रति एकड़ 4 बैग डाले हैं और इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और मेरे सभी किसान भाई इसका उपयोग अधिक से अधिक करें, उनको भी उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। और मैं हमेशा डीएपी इफको के ऊपर ही प्याज की फसल लेता था, इस बार मैंने हमारे पटेल साहब के कहने पर ग्रोप्लस का इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। मेरे हाथ में आपको प्याज दिख रही होगी, उसका साइज भी बहुत अच्छा आया है और जड़ें भी बहुत अच्छी निकाली है, पूरा कंद भी अच्छा बना है और सभी चीज़ों में मुझे अंतर मिला जो मैं डीएपी को पर करता था। उसके अलावा जो मैंने इस बार नया ग्रोप्लस पे किया है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आप सभी किसान भाई भी ग्रोप्लस इस्तेमाल करें। नीचे दी गई तालिका में ग्रोप्लस की तुलना डीएपी से की गई है कि किस तरह किसान भाई 3 बोरी ग्रोप्लस और 20 किलो यूरिया का उपयोग करके डीएपी से ज्यादा पोषक तत्वों वाला खाद उपयोग कर सकते हैं और फसल को दे सकते हैं संपूर्ण पोषण। प्याज की फसल के लिए पोषण प्रबंधन और उर्वरकों का आयोजन। अनुशंसित यूरिया की आधी मात्रा एवं ग्रोप्लस, पोटाश व गंधक की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में अच्छी तरह मिला दें। यूरिया की शेष बची हुई आधी मात्रा पहली सिंचाई अथवा बुआई के 30 से 45 दिनों पर देने से उर्वरक की उपयोग दक्षता बढ़ती है। अपने नजदीकी खाद विक्रेता से ग्रोप्लस जैसा नहीं ग्रोप्लस खाद ही लाएं। ग्रोप्लस एक कोरोमंडल उत्पाद